बोलिए एक बच्चा मेरे पास इस तरह से भी आता था, इस तरह से बात करता था, हयो यम 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 यम। गुड, आ ई ओ एस एस एस। जिन बच्चों को कोई भी इशू नहीं है साइकोलॉजिकली, कोई डिसऑर्डर डिसेबिलिटी नहीं, सिर्फ स्पीच का भी प्रॉब्लम है, उन बच्चों को भी आप लेकर यूज होते हैं बच्चों को कि आपने मिरर में देख के थेरेपी अपनी परफॉर्म करनी है। बाकी ये रिसल्ट बहुत जरूरी है, बबल्स बहुत जरूरी, वो वाले इश्यूज आ रहे होते हैं काफी, इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में बच्चे 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 कह रही हूँ कि आप बच्चों को जब इनिशियल स्टेज में जो छोटे बच्चे। अच्छा यहाँ पर ये होता है कि मेरे पास 1-to-1 सेशन होता है, एक बच्चा होता है और एक मैं होती हूँ, 1-to-1 सेशन हो रहा होता है, तो ये बहुत ही हाईली प्राइवेसी वाला सेशन होते हैं इसमें, और डिस्ट्रैक्शन लेस एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो मेरा पूरा सेशन है ये स्पीच एरिया को कवर कर रहा है, यहाँ पर स्पीच थेरेपी होती है। जिन बच्चों को, जिन इंडिविजुअल्स को जो बड़ी ही एज के लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनको भी स्ट्रोक की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से उनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, बात करने में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो मेरे बच्चे हुए हैं ऑटिज्म के साथ हो गए हैं, ऑटिज्म में तो है ही कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, तो जितने भी ये इश्यूज आ रहे होते हैं स्पीच से रिलेटेड, उनको स्पीच थेरेपी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ये मिरर भी है, और मिरर का पर्पस ये होता है कि जब आप स्पीच थेरेपी करवा रहे हो तो अब आप ये भी हेल्पर्स देख सकते हैं इसके, स्पीच थेरेपी विजुअल्स में भी लुक इन मिरर, ठीक है। ये तमाम मेरे क्यूज होते हैं बच्चे को कि आपने मिरर में देख के थेरेपी अपनी परफॉर्म करनी है। बाकी ये रिसर्च बहुत जरूरी है, बबल बहुत जरूरी है, ब्रीदर बहुत जरूरी है स्पीच के लिए, स्ट्रोक हो गया, माइक हो गया, फ्लोसर हो गया, ये तमाम वो चीजें हैं। ये वाली एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, फ्रॉग बॉल गेम, इसमें भी क्या होता है कि आप बच्चे की इश्यू हो रही होती है, फोकस होता है, ये सारा मेरा रीडिंग और कॉग्निटिव मटेरियल स्पीच को कवर कर रहा होता है, चैनल शो है, बुक्स हो गई इस तरीके की। बाकी मैं एक आपकी वीडियो के तवस्सु से एक चीज और इंट्रोड्यूस कर रही हूं कि मार्च से, 1 मार्च से हमारा प्री स्कूल, प्ले ग्रुप और डे केयर भी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेन मली में है, मेन रोड पे है, शमसी सोसाइटी में, आप लोग मैक्सिमम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, फीस का कोई इशू नहीं है। फीस मैं आपको ये गारंटी से कह रही हूँ बात कि जितने भी क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या रिहैब सेंटर्स हैं, उन तमाम से कम मेरी फीस है, और फीस में मैं कॉपरेट भी कर रही होती हूँ, कंसेशन भी कर रही होती हूँ, ठीक है। अच्छा जो हमारा प्ले ग्रुप होगा या हमारा जो प्री स्कूल होगा, तो उनका ये सेटअप है, बच्चे इंतहाई प्लेफुल एनवायरमेंट में लर्न कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीच थेरेपी में फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कलर्स हो गए, ये तमाम वो एक्टिविटीज है, देखिए नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, ये तमाम पजल बोर्ड्स, एनिमल्स हो गए, कि बच्चा इंटरेस्ट ले, बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो वो बोलेगा। बाकी आपको नजर आ रही है ये तमाम हमारे बिहेवियर विजुअल्स हैं, कि जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, आईडीडी के बच्चे हैं या एडीएचडी के जो बच्चे हैं हमारे, उनको हम इन कार्ड्स के थ्रू राइट बिहेवियर, गुड बिहेवियर सिखा रहे होते हैं, कि उनको ये विजुअलाइज करवाते हैं कि कौन से बिहेवियर्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं और क्या आपको करना है। और ऐसा नहीं, इन कार्ड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बच्चा खुद निकालता है, खुद लगाता है, सॉर्टिंग करता है, रिकग्नाइजेशन करता है, उसको समझ में आता है। तो देखेंगे कि आप स्पीच रूम को भी इतना ही कलरफुल और इतना ही अच्छा बनाएं, इतना प्लेफुल बनाएं कि बच्चे इंटरेस्ट लें, उनको इंटरेस्ट जब मतलब होगा तो वो बोलना चाहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो के तवज्जो से, और आप वॉलंटियरली वर्क ये कर रहे हो बहुत अच्छा, कि एक बहुत अच्छा मैसेज हमारी वीडियो से जाएगा कि जितने भी पेरेंट्स परेशान है कि उनके बच्चों को कोई भी खुदा ना खासा कोई डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी डायग्नोस हो गई है, तो वो हमारे पास लेकर आएंगे, मेन शमसी सोसाइटी में है क्लिनिक, और मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो मैं 24/7 नंबर रिसीव कर रही होती हूँ, कॉल रिसीव कर रही होती हूँ, और तमाम पेरेंट्स से बात कर रही होती हूँ। तो मैक्सिमम आप लोग आइए, विजिट करिए, और जब आप चाहें विजिट कर सकते हैं। क्लिनिक सैटरडे टू मंडे ऑन होता है, संडे ऑफ होता है सिर्फ, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स संडे भी कुछ फादर्स की ऑफ होती है तो वो संडे अगर विजिट करना चाहें
तो वो अपॉइंटमेंट है, लेकिन आप लोगों से बस मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग पहले अपॉइंटमेंट लीजिएगा और उसके बाद फिर आप लोग विजिट करिएगा। एड्रेस समझने में प्रॉब्लम हो तो पहले आप कॉल करें और फिर आप लोग विजिट करें। अच्छा एक मिनट, आपने जो मुझे स्पीच वाली बात कही है वो एक बार मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे एक बच्चा होता है, नॉर्मली नॉर्मल है वो बच्चा, ठीक है, उसकी एज हो गई है 3 इयर्स, ठीक है, लेकिन वो ठीक से बोलना ही नहीं पा रहा। जैसे वो आ ऊ ई करके बात करता है, आ अपनी बात भी इशारों में समझाए, तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? नॉर्मली होते हैं, बस वो देर से बोलना शुरू करते हैं। जी, ये डिलेड माइलस्टोन का केस होता है। इसमें ये होता है कि बच्चा वैसे तो उसके सारे माइलस्टोन्स ठीक है कि वो चलना भी सही से, चल भी सही से रहा है, खा रहा है, बैठ कर बात कर रहा है, पहचान रहा है लोगों को, हर चीज कर रहा है, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि डिलेड माइलस्टोन होता है। जिन बच्चों को कोई भी इशू नहीं है साइकोलॉजिकली, कोई डिसऑर्डर डिसेबिलिटी नहीं, सिर्फ स्पीच का भी प्रॉब्लम है, उन बच्चों को भी आप लेकर आ सकते हैं, उनकी को भी स्पीच की जरूरत है। और ये वही वाली बात है कि अगर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अगर हम ये 3 इयर्स के बच्चे को भी इग्नोर कर देंगे कि बड़ा होगा और सही से बोलना शुरू हो जाएगा, नहीं। प्रॉब्लम अगर आपकी अभी आ गई, अभी सॉल्व, अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो अभी से आपने थेरेपी करवानी है। और स्पीच थेरेपी में जो आप जिस तरह से बोलिए, एक बच्चा मेरे पास इस तरह से भी आता था, इस तरह से बात करता था, मतलब कि बात भी कर दी बच्चे ने अपनी सेंस में तो उससे बात कर दी, लेकिन हमें समझ में नहीं आई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड स्पीच कहते हैं। कुछ बच्चों के अंदर क्लटरिंग और स्टैमरिंग का भी इशू आ रहा होता है, जैसे हकलाहट और तुतलाहट भी आ रही होती है। बड़े इंडिविजुअल्स को भी आता है, ये बड़े वो लोग होते हैं जो बचपन में इग्नोर किए गए होते हैं, जिनकी बचपन में थेरेपी नहीं होती, तो वो बड़े होके वो वाले इश्यूज आ रहे होते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में बच्चे 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 कह रही हूँ कि आप बच्चों को जब इनिशियल स्टेज में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके छोटे इश्यूज होते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके बड़े इश्यूज हो जाते हैं, तो आप अभी जो छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व करें। और सेकंड, आपने ये भी क्वेश्चन किया था मुझसे ऑफ कैमरा कि ये जो प्री स्कूल और प्ले ग्रुप है वो नॉर्मल बच्चों का है। देखिए, हम नॉर्मल बच्चों को भी लेते हैं, लेकिन उनकी शिफ्ट अलग है। जो हमारे नॉर्मल बच्चे होंगे उनकी एक अलग टाइमिंग होगी, उनका एक अलग स्लॉट होगा। जो हमारे कुछ डिलेड माइलस्टोन के साथ बच्चे होंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा स्कूल जाए, तो जैसे डाउन सिंड्रोम किड्स हो गए हैं या ऑटिज्म के उनके पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा स्कूल जाए, तो उनके लिए फिर हमें अलग शिफ्ट हम रखेंगे। एक शिफ्ट जो है वो नॉर्मल बच्चों की हो जाएगी, एक शिफ्ट जो है वो स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़े मजे का जो है कि प्री स्कूल और प्ले ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह ताला इंट्रोड्यूस होगा, बस मार्च हमारा सेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, अभी एडमिशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आपकी वीडियो के रेफरेंस से अगर कोई आता है तो उसको हम रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ कर देंगे और एडमिशन में जो है उसको 50% हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और सेकेंडली, मेरी ये कोशिश है, आप यकीन करें कि मैं प्राइवेटली काम कर रही हूँ, मैं डोनेशन नहीं ले रही होती हूँ, मैं चैरिटी पे कोई काम नहीं कर रही होती हूँ, मेरा अकाउंट अपना प्राइवेट है, मेरा कोई ऐसा डोनेशन वाला अकाउंट नहीं है, तो मैं अपने एक्सपेंसेस को टॉलरेट कर रही होती हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी पेरेंट्स आपकी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर उनकी सराउंडिंग में भी अगर उनका बच्चा नहीं, तो ये सत्य जागिया के तौर पे ये वीडियो आप शेयर करें उन लोगों को जिनको आपको पता है, क्योंकि ये पता चल जाता है ना आपको, फील हो जाता है। बहुत से ऐसे सर्कल जिनके सर्कल में काफी लोगों के सर्कल ऐसे होते हैं जिनमें ये बच्चे मौजूद होते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप लोग गाइड करें, लोगों को बताएं कि यहाँ पे क्लिनिक है और विजिट करें आप लोग यहाँ का। और बिल्कुल आप लोग ये वीडियो शेयर करें उन पेरेंट्स के साथ, उन इंडिविजुअल्स के साथ जिनको कोई इशू है। मैं बाबा कहती हूँ मैं हर एज ग्रुप को डील कर रही हूँ, 50+ के भी मेरे पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्पीच के हो गए, स्ट्रोक के हो गए, साइबर पॉलिसी हो गया, या फिर IDD, ADHD, तमाम डिसऑर्डर्स को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने ADL एरिया में, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरी स्टैंडिंग है, इसमें देखें कि स्पीच थेरेपी हो रही है, हमारे पास फिजियोथेरेपी हो रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रही है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में वो भी तमाम चीजें आ जाती है कि जिनको लेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ADL से रिलेटेड ना, एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग स्किल्स। तो ये वाला जो हमारा पूरा एरिया है, अब इसमें देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी है और कॉग्निटिव रेमेडियल थेरेपी। कॉग्निटिव रेमेडियल थेरेपी का हम लोग थोड़ा सा एक क्लिप बना देंगे जो इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की और वोकेशनल ट्रेनिंग की, ठीक है। ऐसे हमारी बहुत सी बच्चियां होती हैं 14 साल की, 16 साल की, या बच्चे भी होते हैं बॉयज या गर्ल्स, जिनको थोड़ा सा हमें ये भी सेंस देना होता है कि पेरेंट्स भी बड़ी होती है, हमारा बच्चा स्पेशल नीड का है, हम खुदा ना खास्ता जब नहीं होंगे तो ये बच्चा इस काबिल हो जाए कि अपना थोड़ा बहुत काम खुद कर सके।
तो मैं वॉशरूम में टॉयलेट ट्रेनिंग भी करवा रही होती हूँ, टूथब्रश भी करवाना हम लोग सिखा रहे होते हैं। इस तरीके से थोड़ी सी उनको सेफ इन्वायरमेंट में, ये इलेक्ट्रिक स्टोव है हमारा और इलेक्ट्रिक स्टोव के थ्रू हम जो है उनको चाय बनाना, कॉफी बनाना, या फिर हम अवन के में भी उनको सिखा रहे होते हैं केक बेक करना, या अंडा बॉइल कर लिया बच्चे ने अपने ऑमलेट बना लिया, छोटी सी जो बच्चियाँ होती हैं उन्होंने रोटी पकाना किस तरीके से, क्योंकि बच्चों को ये वाला भी शो रहा है कि जल्दी जल्दी गिर जाती है, बैलेंस आउट होता है उन बच्चों का। तो ये देखिए यहाँ पर भी पोरिंग हो रही होती है जो कि हमारे फाइन मोटर स्किल्स को भी अच्छा कर रही होती है। यहाँ से बच्चा स्पंज को स्क्वीज करेगा और यहाँ पे लेके जाएगा और फिर इस तरीके से ये देखेंगे एक प्लेट कॉन्सेप्ट दिया गया है, यहाँ पे कटिंग है और इस तरीके से यहाँ पे ग्लास रख दिए जाते हैं और फिर बच्चे को सर्व करना सिखाया जाता है। ये तमाम वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी ADL को कवर करती हैं। ये पूरा हमारा जो सेक्शन है ये पूरा ADL का है, इसके अंदर तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी ADL की है। ADL मीन्स एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग, बच्चे को टाइम भी देखना सिखाते हैं, बच्चे को कैलेंडर देखना भी सिखाते हैं, बच्चे को हर हम चीज सिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकता है। आप देख चुके हैं इनका यहाँ पे ये क्लिनिक है, आप लोग यहाँ का विजिट जरूर कीजिए। मैंने पूरे क्लिनिक आपको विजिट करवा दिया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। आप लोग चाहें यहाँ इनका जो कांटेक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ ही चुका है, आप लोग इनसे कांटेक्ट करके इजीली यहाँ का विजिट कर सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके, यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।